मनपा आयुक्त से की मुलाकात, त्योहारी सीजन में जागरूकता फैलाने की मांग, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए प्रशासन। ऐरोली विधायक और बीजेपी नेता गणेश नाइक ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच लोगों में संक्रमण रोकने के लिए मनपा ने जो काम किया है वह सराहनीय है। कमिश्नर अपने ओर से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी यंत्रणा अच्छा प्रयत्न कर रही है, लेकिन नए नए मुद्दे आ रहे हैं। ओके, तो बात ऐसी कि जो प्रमाण बढ़ रहा था वो अभी लेवल में आ रहा है, वो लेवल से नीचे जाना चाहिए, लेकिन किसी अपनी खमिया के कारण ऊपर न जाए इसकी अपने को देखभाल करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि चौकन्ना रहना यही काम, और चौकन्ना पर रहेंगे। देखिए, महापालिका की ओर से पूरी प्रमाण में कई प्रमाण में इस पर बंधन लाने का प्रयास हुआ है और बहुत सारे लोगों का पैसा वापस किया गया है। आगे चल के इसकी तकरार होगी वो माननीय आयुक्त तो भी कॉपी दे, मुझे भी कॉपी दे, हम लोग उनकी जो गलत ढंग से पैसा लिया वापस करने के लिए मदद करें। उन्होंने कहा कि हम किसी के द्वारा किए हुए कार्य से सब संतुष्ट नहीं हो सकते। मनपा की तरफ से जो भी सराहनीय काम किया गया है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए और गलत कार्यों की आलोचना होनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी है, संतुष्टि तो पूरी कभी कभी नहीं होने वाली है, इसमें खमियां तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रयास करना और प्रयास में कामयाबी मिलना ये दो फर्क अलग बातें हैं। यहाँ पे खाली मैंने जैसे बोला कि ये सब कंट्रोल में लाने के लिए महापालिका का प्रशासन में डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, बाद में साफ सफाई कर्मचारी और इनको जागरूक करने वाले मीडिया, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, और सब लोक प्रतिनिधि और एनजीओ सब काम कर रहे हैं। आखिर में 100% सक्सेस मिलने की उम्मीद करें लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसको, जिसने अच्छा काम जो किया है, गलत हुआ उधर अपन टोकेंगे, तो अच्छा काम किया तो उसके पीठ पे भी हाथ मारना अपना काम है। 100% काम हो रहा है ऐसा मेरा कहना नहीं है, कमियां तो बहुत है, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ओके तुम लोग अच्छा काम करे इतना बोलने की जरूरत है, वो कर रहे हैं हम। विधायक द्वारा कही गई बातें एक आदर्श स्थिति है और ऐसा होना भी चाहिए। गलत कार्यों का विरोध और सही कार्यों की सराहना होनी चाहिए जिससे एक आदर्श समाज स्थापित हो सके। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।